अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाइक रिजवान और आप देख रहे हैं स्मार्टफोन रिव्यूज। सो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं वापस आ चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज भी मैं एक स्मार्टफोन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए और उसको अनबॉक्स करूंगा आपके सामने। तो वो स्मार्टफोन मेरे पास जो है वो यहाँ पर ओप्पो A1K है। दोस्तों आज मैं ओप्पो A1K की अनबॉक्सिंग करूंगा, इसको आपको छोटा सा एक रिव्यू प्रोवाइड करूंगा कि ये स्मार्टफोन जिस प्राइस रेंज में आता है, क्या ये स्मार्टफोन उस प्राइस रेंज में अच्छी स्पेक्स प्रोवाइड करता है, लाइक उस प्राइस में ये स्मार्टफोन ठहरता है या फिर ये पूरी तरह से डिफ्यूज होता है। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, उससे ये होगा मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको जाएगी। तो दोस्तों करते हैं अपने वीडियो को शुरू बिना टाइम वेस्ट किए, लेट स्टार्ट। ओके, जैसे करते हैं हम अपने फोन को अनबॉक्स। आपको बता दूं कि मैंने अपना फोन जो है वो ऑलरेडी जो है उसकी सील ओपन कर ली है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस फोन के बैक पे जो स्पेक्स दिए हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ओप्पो ने अपने बॉक्स पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है वो 6.1 इंचेस का HD+ वाटर ड्रॉप स्क्रीन है। दोस्तों इस फोन में आपको जो है वो वाटर ड्रॉप स्क्रीन मिलेगी, लाइक आपको ओप्पो A1K के ऊपर भी नजर आ रहा है कि आपको यहाँ पे ये वाटर ड्रॉप स्क्रीन मिल रही है, जिसके साथ ओप्पो ने यह मेंशन किया है कि 4000 mAh की बैटरी। तो आपको यहाँ पे जो बैटरी है वो यहाँ पे प्लस पॉइंट मिल रहा है कि आपको यहाँ पे 4000 mAh की बैटरी मिल रही है। साथ आपको यहाँ पे ओप्पो की तरफ से 32 GB रोम मिल रही है और इसके साथ आपको यहाँ पे ओप्पो का नया ऑपरेटिंग सिस्टम कलर OS 6 मिल रहा है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 9.0 पाई पर। तो अगर हम आज के बारे में बात करें कि फोन में आज कल के बॉक्स पैक में सस्ती रेंज में आपको जो है यहाँ पे एंड्रॉयड 9 पाई मिल रहा है, कलर OS की तरफ से आपको नया ऑपरेटिंग सिस्टम 6 मिल रहा है और आपको यहाँ पर जो है वो 4000 mAh की बैटरी मिल रही है, वाटर ड्रॉप डिस्प्ले मिल रहा है आपको। तो यानी कि ये ओप्पो का अब तक का सबसे सस्ता फोन है जिसमें आपको जो है वो इतना कुछ मिल रहा है। तो दोस्तों करते हैं हम इसको अनबॉक्स। करने से पहले आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन जो है ये 3GB रैम वाला नहीं है, ये 2GB रैम एंड 32GB रोम वाला है। तो इसका 3GB वेरियंट जो है वो नहीं आता। दूसरी बात, इसका जो कलर है वो रेड कलर का है, रेड कलर है इसका। तो करता हूं मैं इसे अनबॉक्स। ओप्पो A1K को अनबॉक्स किया, साथ आपको जो है सबसे पहले आपको एक ओप्पो का एक मिनी बॉक्स मिल जाए जिसके ऊपर लिखा हुआ है ओप्पो। इसके अंदर आपको मिलेगा एक केस और साथ पर आपको इसके मिलेंगे अंदर कुछ मैनुअल गाइड और वारंटी कार्ड। केस जो है वो सिलिकॉन केस है जो कि काफी मजे का लग रहा है। मुझे ओप्पो के केस स्पेशली बहुत पसंद है, इस वजह से पसंद है क्योंकि ओप्पो का जो केस के ऊपर ये साइड पर जो कर्व है ना, ये डिस्प्ले के थोड़े से ऊपर आ जाते हैं ताकि आपका जो फोन का डिस्प्ले है, अगर आपका फोन गिरे भी तो जो आपका जो फोन का फ्रंट डिस्प्ले है वो खराब ना हो पाए। कवर को करते हैं साइड पर, अपना निकालते हैं फोन ओप्पो A1K। इस फोन को मैं निकाल लूं जरा। ओके जी, तो ये फोन जो है ये ओप्पो A1K काफी प्यारा लग रहा है, लाइक शाइनी फोन है, इतना रेड कलर में है। आपको जो है वो फ्लैश लाइट में जो ये स्मार्टफोन है थोड़ा पिंकी सा शेड दे रहा होगा, पिंक टाइप का टच दे रहा होगा, लेकिन इसका जो एक्चुअल कलर है वो रेड है। फोन को रखते हैं साइड पर, उससे पहले हम जो है वो इसके एक्सेसरीज पर देख लेते हैं कि इसके साथ ओप्पो हमें क्या क्या एक्सेसरीज प्रोवाइड करता है। इसके साथ आपको ओप्पो की तरफ से मिलता है एक चार्जर, ये वूक चार्जर नहीं है, ओप्पो अपने बजट स्मार्टफोन में वूक टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड करता। आपको मैं फोकस करके दिखा देता हूँ, ये चार्जर आपको 5V 2A का मिल रहा है जो कि 10W की चार्जिंग प्रोवाइड करेगा। नॉर्मल चार्जर से ये जो स्मार्टफोन है ये थोड़ी अच्छी यानी कि फास्ट जो है वो चार्जिंग प्रोवाइड करेगा। इसके साथ अगर आप बात करते हैं इसके डाटा केबल की, तो वो यहाँ पर आपको मिलेगी USB 2.0 की, क्योंकि इसके साथ आपको USB Type-C नहीं मिलती और ऐसा हो भी नहीं सकता कि ओप्पो अपने इतने कम स्मार्टफोन में आपको USB Type-C प्रोवाइड करे। तो रखते हैं अपने फोन को साइड पर और देखते हैं अपने फोन के बारे में। फोन को ऑन करते हैं और उसको जो है वो हम ऑन करके इसको सेटअप करते हैं। फोन के बारे में बता दूं कि आपको इसके बैक साइड पे 8MP का कैमरा मिलता है जिसके साथ आपको LED फ्लैश लाइट मिलती है। यहाँ पर आपको ओप्पो की ब्रांडिंग मिलती है
और यहाँ पर आपको ओप्पो का कुछ IMEI वाला सिस्टम और यहाँ पर रेड कलर अवेलेबल लिखा हुआ मिलता है। दोस्तों फ़ोन हो रहा है ऑन, आपको इसके फ्रंट पर आपको यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है जिसमें आपका 5 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है। राइट साइड पर बात करें तो आपको यहाँ पे जो है वो पावर बटन मिलता है, लेफ्ट पे बात करें तो आपको यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन मिलता है, और यहाँ आपको जो है वो सिम ट्रे मिलता है जो कि ड्यूल सिम प्लस SD कार्ड वाली सिम है ट्रे है सॉरी, ये आपको जो है ये डेडिकेटेड स्लॉट प्रोवाइड करता है। फ़ोन हो गया हमारा ऑन, करते हैं फ़ोन को सेटअप। इससे पहले हम अपने कैमरा की जो है वो फ्लैश लाइट को बंद कर देते हैं। ओके हमारा फ़ोन जो है वो सेटअप हो चुका है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वेलकम टू कलर OS 6। इसे करते हैं हम स्टार्ट, और ये रहा हमारा ओप्पो का A1K। फोन देखने में काफी प्यारा है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा वॉलपेपर फोन का चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आपको जो है वो इसका एक्चुअल डिस्प्ले पता चल सके। ये है हमारे पास ओप्पो A1K जो कि फिलहाल मुझे अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक अगर आप इसमें देखते हैं कि इसमें 2GB रैम है, लेकिन उसके हिसाब से जो ये स्मार्टफोन है अभी के लिए कोई मसला नहीं प्रोवाइड कर रहा। आप देख सकते हैं ये ओप्पो का कलर OS 6 है, आपको इसके सेटिंग में जाकर मैं दिखा देता हूँ। अबाउट फोन में ये आप देख सकते हैं ओप्पो का डिवाइस नेम ओप्पो A1K, मॉडल नंबर, कलर OS वर्जन 6.0, एंड्रॉयड 9 है इसके अंदर, यानी कि इसमें आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आप एक 25,000 to 30,000 रुपीज़ वाली फ़ोन में चाहते हैं सिवाय इसके ड्यूल कैमरा के लिए। तो अगर आप इस फ़ोन के बारे में बात करते हैं कि स्मार्टफोन में क्या खास है, तो लाइक अगर आप बात करें कि 20,000 की रेंज में स्मार्टफोन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पर जो है वो एक ड्यूल कैमरा नहीं मिलता, और आपको जो है वो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता। लाइक अगर आप किसी भी 20,000 वाले फ़ोन में जाएं तो आपको वहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर और ड्यूल कैमरा वाली ऑप्शन अवेलेबल मिलती है। लेकिन अगर हम आजकल की बात करें तो आजकल ऐसे स्मार्टफोन्स पाकिस्तान की मार्केट में आ रहे हैं 20,000 की रेंज में जिनमें जो है वो ये चीज़ आम हो चुकी है, लाइक फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, ड्यूल कैमरा नहीं है, ये चीज़ें जो है वो आम हो चुकी हैं। तो अगर आप इस फ़ोन के बारे में बात करें मेरे से, तो ये मुझे इस फ़ोन जो है 20,000 की रेंज में काफ़ी अच्छा लगा है। और इस स्मार्टफोन के अगर मैं आपको इंटरनल्स के बारे में बताऊँ, तो ये स्मार्टफोन आता है हमारे पास 2.0 GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ। साथ जो आपको यहाँ पे चिपसेट मिलता है वो आपको यहाँ पे MediaTek का Helio P22 मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसके साथ आपको जो है मैंने कैमरा बता दिया है कि आपको फ्रंट पर आपको 5 मेगापिक्सल का मिलता है, बैक पर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिसके साथ आपको यहाँ पे 2GB की रैम एंड 32GB की रोम मिलती है। तो आपको मैं इस फोन का जो है वो एक कैमरा टेस्ट करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, लाइक जिससे आपको जो है वो अंदाजा हो जाए कि इसका कैमरा किस तरह का है। सबसे पहले मैं इसका कैमरा सैंपल से कुछ शॉट लेता हूँ। अभी तक कैमरा क्वालिटी काफी बेस्ट है। तो ये शॉर्ट्स जो है ये मैंने अभी आपके सामने लिए हैं ओप्पो A1K के। तो लाइक कैमरा क्वालिटी जो है वो मुझे अच्छी लग रही है इस रेंज में। आप देख सकते हैं इसका फोकस कितना ज़बरदस्त है, और इसने एक एक चीज़ जो है वो फोकस में लगाकर दिखाई है। इसका कैमरा फिलहाल मुझे बेस्ट लग रहा है। अगर आप कहते हैं थोड़ी सी फोटोज मैं प्योर बनाकर दिखाता हूँ आपको, तो ये देखें आपके सामने मैंने भी फोटो कैप्चर की है ओप्पो A1K की। तो ये इसके मैंने बॉक्स की फोटो क्लिक की है, और ये काफी अच्छी जो है वो फोटो आई है, आप देख सकते हैं। फोन जो है वो काफी प्यारा लगा मुझे 20,000 की रेंज में। लाइक ये आपकी इसकी जो एक्चुअल प्राइस फोन की वो है 19,000 रुपीज,
लेकिन अगर आप इसको ऑफलाइन मार्केट से बाय करते हैं तो आपको ये आपको मिल जाएगा 17-18 के राउंड अबाउट में डिस्काउंट के साथ। सो अगर आप कहते हैं कि मैं आपको स्पून का थोड़ा सा जो है वो स्पीकर टेस्ट करके दिखा देता हूँ, लाइक आपको इससे आइडिया हो जाए कि इसका स्पीकर टेस्ट कैसे है, इसके स्पीकर्स कैसे हैं। तो चलिए मैं आपको सेटिंग में जाके इसके रिंगटोन दिखा देता हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी साउंड आउटपुट है वो कैसी है। आई थिंक अगर ओप्पो का फ़ोन है तो साउंड आउटपुट तो काफ़ी बेस्ट होगी इन फोन की। अभी आपको दिखा देते हैं, आवाज़ फुल करते हैं। तो ओवरऑल इसकी साउंड परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी क्लियर साउंड है इसका, और इसका कैमरा भी मुझे काफ़ी ओके लगा है, लाइक इस रेंज में इसका कैमरा जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों ये था हमारे पास ओप्पो A1K की अनबॉक्सिंग और एक शॉर्ट रिव्यू। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको इस स्मार्टफोन की जो है वो मुकम्मल डिटेल रिव्यू चाहिए, लाइक इसका कैमरा टेस्ट, इसका गेमिंग टेस्ट, इसका स्पीड टेस्ट, इसका जो है वो बैटरी टेस्ट चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको इस स्मार्टफोन का कौन सा टेस्ट चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस स्मार्टफोन को कंपैरिजन करना है, लाइक इससे कंपेयर करना है गैलेक्सी A10 और आपको यहाँ पे ओप्पो A3s के साथ, तो वो भी मैं इसका वो जो है इसका रिव्यू प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपको जो मैंने इसका एक शॉर्ट रिव्यू दे दिया है ओप्पो A1K का, आपको इसे आइडिया हो गया कि ये स्मार्टफोन किस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा, इसका कैमरा कैसा है, आपको मैंने इसका सब कुछ बता दिया है। दोस्तों इसमें आपको मिलती है 4000mAh की बैटरी, कैमरा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें आपको 8MP का रियर मिलता है और 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसके साथ आपको यहाँ पर जो है वो सिम वाली साइट पर आपको यहाँ पर डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलती है, जिसमें आप एट अ टाइम 2 सिम कार्ड्स और 1 मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, और इसकी अपनी भी स्टोरेज जो है वो 32GB है, तो काफी अच्छा ये फोन बन जाएगा इस प्राइस टैग में। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सबसे ज्यादा हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि हमारे इस चैनल पर जो है वो सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, और अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या ही बात होगी। और साथ साथ अगर आप हमारे इस चैनल के वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक इसमें कोई कमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा, मेरे चैनल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि वीडियो के नीचे कमेंट जरूर डालेगा कि अगर आपको कोई इस वीडियो में कोई चीज़ मिसिंग लगी है, शायद मैंने स्मार्टफोन के बारे में आपको कोई ऐसी कोई चीज़ ना बताई जो आपको बताओ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ताकि हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में दोबारा ऐसी कोई गलती मत करें। इस वीडियो में इतना ही, दिस इज़ 5 Rizwan, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।